नमस्कार, मैं राजीव कुमार सिंह दरभंगा जिला की तमाम छोटी बड़ी खबरें को एक साथ समेटे खबरें दिन भर में आपका स्वागत करता हूं। अब देखिए दरभंगा जिला की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से। सरकार की ओर से लॉकडाउन के ऐलान के बाद भी नहीं मान रहे लोगों पर अब सख्ती होगी। किसी ने लॉकडाउन के दौरान गैर जरूरी कामों के लिए सड़क पर उतरने की कोशिश की या फिर भीड़ इकट्ठा हुई तो 6 महीने की जेल या 1,000 जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। लॉकडाउन के आदेश का उल्लंघन कर रहे लोगों पर पीएम नरेंद्र मोदी के नाराजगी के तत्काल बाद केंद्र सरकार की ओर से राज्य को कहा गया है कि लॉकडाउन लागू करने के लिए कानूनी प्रावधान अपनाएं। वहीं दरभंगा शहर में लॉकडाउन के उपरांत कालाबाजारी भी शुरू हो गई, जिस पे वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम एवं अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार की अध्यक्षता में पुलिस बल ने शहर में घूम घूम कर अलाउंस कर कालाबाजारियों के खिलाफ मुहिम घिरा एवं लोगों में जाकर जागरूकता अभियान भी चलाया। आइए हम आपको दिखाते हैं कि इस संदर्भ में वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए क्या जानकारी दी। स्टॉक करने की आवश्यकता नहीं है, जितने लोगों को जितनी जरूरत है उसके लिए हम लोग सक्षम है उनको सप्लाई देने के लिए। अनावश्यक के लिए भीड़ भाड़ लगा करके जमा करने की प्रवृत्ति को छोड़ें, अनावश्यक रूप से ज़्यादा जमा करने की प्रवृत्ति को छोड़ें और दुकानदार भी लोगों को बताएं कि सामान उपलब्ध है बाजार में, इसलिए ज़्यादा कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, जितना जरूरत है उतना ही सामान लीजिए। पहले 2 दिन हम लोगों ने काफ़ी उल्लंघन के मामले देखे, काफ़ी लोगों की भी FIR भी दर्ज की गई, भारी संख्या में वाहनों को जब्त किया गया, जुर्माना किया गया। आज तीसरे दिन पहले 2 दिन के मुकाबले उल्लंघन के काफ़ी कम मामले दिखाई दे रहे हैं, कुछ इक्का दुक्का लोग रोड पे मूवमेंट करते दिखते हैं, लेकिन जगह जगह पुलिस ने नाका लगाया हुआ है, नाकेबंदी करके चेकिंग की जा रही है और ज़्यादातर लोग ऐसे पाए जा रहे हैं जो एसेंशियल सर्विसेज में इंगेज हैं या फिर वो सरकारी ऑफिस के लिए निकले हुए हैं। तो आज उल्लंघन के मामले लगभग नहीं के बराबर हैं, लेकिन दूसरी एक शिकायत आई थी कि कुछ आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं, कालाबाजारी करने की शिकायत आई थी, जिसको देखते हुए आलू और प्याज के दाम निर्धारित किए गए हैं। इसी क्रम में हम लोग अभी फल मंडी सब्जी मंडी में गए थे, उसके बाद अनाज मंडी में गए थे, एक जगह पे प्याज और आलू निर्धारित दाम से ज़्यादा पे बेचता हुआ एक दुकानदार पाया गया, जिसके विरुद्ध FIR का निर्देश दिया गया है। और इसके अलावा माइकी के माध्यम से दुकानदारों के साथ साथ आम लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है कि खाद्यान्न और दूसरी अन्य वस्तुएँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, लोग हड़बड़ी में स्टॉक ना करें और जो दुकानदार हैं वो वाजिब दाम पर ही बेचें, मुनाफाखोरी या ब्लैक मार्केटिंग करने की कोशिश ना करें। अगर कोई करता पाया जाएगा तो ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पदाधिकारी के द्वारा यहाँ की जो बाजार समिति है, वहाँ के जो बड़े व्यवसायी हैं, उन लोगों के साथ ही बैठक की गई है। उन लोगों ने एक दो मुद्दे रखे थे कि बाहर से जो सप्लाई आ रही है उसमें कहीं कहीं उनके वाहनों को रोकने की वजह से सप्लाई में बाधा उत्पन्न हो रही है, उसका भी समाधान किया गया है। उन सभी दुकानदारों से कहा गया है कि वो SDO के यहाँ से पास निर्गत करा लें और उसके बाद राज्य भर में कहीं भी उनकी गाड़ी को नहीं रोका जाएगा। सप्लाई चेन को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी हम लोगों ने कदम उठाए हैं, सभी पुलिस और थाना को निर्देश दिया गया है कि अनाज की ऐसी गाड़ियों को ना रोका जाए जिससे कि आपूर्ति बनी रहे। दिवाकालीन सह छात्रावास युक्त दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद दरभंगा 2006 से निरंतर मिथिलांचल की हृदय स्थली में स्थापित दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद दरभंगा नवीनतम तकनीकों एवं उपेक्षित मानव मूल्यों से युक्त संस्कारवान शिक्षा के प्रतिबद्ध आप लोगों को यह सुविधा उपलब्ध करवाने में सक्षम है। हम अपने छात्रों को पूर्ण व्यक्तित्व विकास और यथा योग्य मंच हासिल करने में सहयोग कर सके। हमारी सुविधाएं दक्ष एवं कुशल विभिन्न प्रांतों के शिक्षक एवं शिक्षिकाएं दरभंगा राज परिवार की समीपत से उत्पन्न शांत एवं प्रदूषण रहित वातावरण 2011-12 से स्मार्ट क्लासेस का उद्यम प्रयोग भौतिक रसायन शास्त्र जीव विज्ञान कंप्यूटर विज्ञान की प्रयोगशालाएं सह प्रयोग प्रवेक्षक छात्र छात्राओं की हीन ग्रंथियों एवं सशक्त स्वास्थ्य निर्माण में उपयोगी मार्शल आर्ट एवं कराटे ताइक्वांडो का उम्दा प्रशिक्षण विद्यालय परिसर की भाषा इंग्लिश हम चांद दिखाते नहीं रास्ता बताते हैं वातानुकूलित छात्रावास एक बार आकर स्कूल को देखें और हमें सेवा करने का मौका जरूर दें। वहीं कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश भर में लॉकडाउन कर दिया गया है। बिहार में लॉकडाउन की घोषणा पहले ही कर दी गई थी, जिसको लेकर नगर थाना भी सड़कों पर चुस्त दुरुस्त नजर आई।
नगर थाना के द्वारा जगह जगह घूम घूम कर लोगों को जागरूक किया गया और उन्हें बताया गया कि अनावश्यक घर से बाहर न निकले, अपने घर में रहे, सुरक्षित रहे, परिवार के साथ रहे, क्योंकि यह बीमारी जानलेवा है। सोशल डिस्ट्रिक्ट के ओर से हम लोग जो है पूरा मार्केट को जो है बंद कराए हुए हैं, किसी को हम लोग निकलने नहीं दे रहे हैं और जो भी बच्चा है चाहे बुजुर्ग है उन लोगों को सजेशन देते हैं कि आप लोग घर में रहिए। सभी को हम लोग कहते हैं घर में रहिए, हम लोग तो अपना जान जोखिम में डाल करके ये तो कर ही रहे हैं, मरे लोग समझते नहीं हैं, फिर भी हम लोग जो है अपना जो है अपना मन से हम लोग जो उन लोगों को जो है अच्छा तरीके से समझा बुझा कर कहते हैं कि अंदर में रहिए, बाहर में न निकलिए, ये बहुत ख़राब चीज़ है। लोगों ने मास्क पहने हुए निकले हुए हैं तो उन लोगों के लिए जो हम लोग बार बार चेतावनी देते हैं कि आप मास्क पहन करके ही अगर निकलना है तो आप मास्क पहन कर निकलिए, अन्यथा घर में रहिए। आप घर में भी रहिए तो मास्क पहन कर ही रहिए। मेरा नाम है सब इंस्पेक्टर शिव कुमार राम, नगर थाना। Decent Sunshine Academy, a unit of the Rudra Foundation. Classes PG to 8, Rajman Chowk से पश्चिम, Dhiranpur, Darbhanga. भारत सरकार द्वारा पूर्णतः मान्यता प्राप्त। हमारी व्यवस्थाएं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित एवं स्वच्छ वातावरण, पूर्णतः CBSE पाठ्यक्रम, स्मार्ट कक्षा पर विशेष ध्यान, सुरक्षा एवं उच्च शैक्षणिक व्यवस्था, बच्चों की शुरुआती और विकास पर विशेष ध्यान, समय समय पर बच्चों के व्यवहार एवं विकास की ओर विशेष सलाह परामर्श, कंप्यूटर शिक्षा एवं प्रयोगशाला, यातायात की सुविधा, 24/7 उच्च स्तरीय कैमरा, डे बोर्डिंग की व्यवस्था, सहायिका एवं गार्ड की व्यवस्था, इसके साथ साथ 10+2 के युवाओं के लिए कंप्यूटर शिक्षा कोर्स सहित BSEB और CBSE बोर्ड में पढ़ रहे बच्चों के लिए कोचिंग की उच्चतम व्यवस्था। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें और सेवा का मौका जरूर दें। 2020-21 सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन और एडमिशन फ्री। वहीं दरभंगा शहर के सुभाष चौक पर भी लॉकडाउन का पूरा असर देखने को मिला। रोड बिल्कुल सन्नाटा नजर आई। वहीं रोड पे प्रशासन ने चुस्त दुरुस्त से अपना मुस्तैदी दिया। लोगों द्वारा आए गए सभी वाहनों को चेकिंग करने के बाद, जानकारी लेने के बाद ही प्रशासन उसे जाने दिया गया। वहीं जो भी गाड़ी पाया गया उसे पूरी जाँच पड़ताल करने के बाद प्रशासन ने उसे आगे बढ़ने की इजाजत दी। रोड पे सिर्फ एम्बुलेंस एवं जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हें ही जाने की इजाजत दी गई। कोरोना को लेकर के पूरा विश्व भीतराही माम में है और ये बिहार सरकार जो अभी अपना कदम उठा रहा है बहुत ही अच्छा सराहनीय है। हम लोग अपने ड्यूटी में लगे हुए हैं, लोगों को घर में रहने का सलाह दिया जा रहा है, चलने के लिए मना किया जा रहा है और सुरक्षा की दृष्टि से देखे रहे हैं कि पूरा लॉकडाउन कर दिया गया है। जो पेशेंट लोग हैं इमरजेंसी जो सेवा है उसको चालू किया गया है, बाकी विधि व्यवस्था सब सही सब सुचारू रूप से चल रहा है। महेश तिवारी हुआ अभी का। वहीं दरभंगा शहर के यातायात थाना के द्वारा कई चौक चौराहों पर सख्ती बरतते हुए प्रशासन नजर आई। वैसे लोग जो अनावश्यक रूप से रोड पे निकल रहे हैं, जो कोरोना वायरस जैसे गंभीर बीमारियों की स्थिति परिस्थिति को नहीं जानते या फिर सरकार के द्वारा लॉकडाउन का घोषणा करने के बावजूद वो घर से बाहर अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं, उन पे प्रशासन कड़ा नजर आया। प्रशासन ने अपने ओर से वैसे लोगों को कान पकड़ के सरेआम उठा बैठी करके उन्हें जागरूक करने का काम किया। इसके लिए हम लोग को सरकार की ओर से काफ़ी सतर्कता बरतने का निर्देश प्राप्त हुआ है, लोगों को घर से नहीं निकलने का निर्देश है। फिर भी लोग मनमानी कर रहे हैं, कुछ छिटपुट लोग निकल रहे हैं, ज़्यादातर जो है लोग मेडिकल को लेकर के कोई दवा लाने जा रहे हैं, कोई हॉस्पिटल जा रहे हैं और बहुत ही कम संख्या में लोग जो है बहुत छिटपुट निकल रहे हैं, जिसको हम लोग पकड़ करके या तो हिदायत कर रहे हैं नहीं तो फाइन करके उसको छोड़ रहे हैं। लेकिन लोग से यही जागरूक कर रहे हैं कि वो रोड पर ना निकले। मेरा नाम हुआ टुनटुन पासवान, सोहनी, यातायात थाना। कोरोना वायरस जैसे महामारी से बचने हेतु अपने आसपास साफ सफाई रखना बड़ा आवश्यक है। ऐसे में दरभंगा शहर के सुभाष चौक पे नजारा कुछ और ही देखने को मिला, जहाँ कचरे का अंबार लगा हुआ है किंतु नगर निगम एवं मोहल्ला वासियों को इसका कोई चिंता देखने को नहीं मिला है। जब तक इस जगह पे कचरा हटा के पूरी जगह को सैनिटाइज नहीं करवाया जाता है
तब तक यहाँ महामारी आने की संभावनाएं बनी रहेगी। सर यहाँ पे कचरा रहता है, बहुत बहुत एकदम गंदगी रहती है, सफाई बराबर नहीं होता, होता है लेकिन ज्यादा गंदगी जरूर से ज्यादा लग जाती है, उसके बाद सफाई होती है, जबकि डेली का डेली यहाँ कूड़ा गिरता है, उठ जाना चाहिए था, लेकिन क्या कहें, कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि नगर निगम के आदमी नहीं जाते या प्रशासन की गाड़ी नहीं आती, सब जाती है, लेकिन पता नहीं क्या है। मेरा नाम रफत। रेलवे परिसर को सोमवार को शाम से लॉकडाउन यानी सील कर दिया गया है। आरक्षण व तमाम बुकिंग काउंटर बंद कर दिए गए हैं। फ्लाई ओवर सभी प्लेटफॉर्म सहित जंक्शन के सभी एरिया को पूरी तरह से सील किया गया है। जंक्शन के किसी भी एरिया में पकड़े जाने पर संबंधित को गिरफ्तार किया जाएगा। बता दें कि सोमवार की देर शाम 4 बजे आखिरी ट्रेन बागमती एक्सप्रेस जंक्शन पर पहुंची थी। इसके बाद देर रात तक जंक्शन को सील कर दिया गया है। जगह जगह बांस बल्ले से घेराबंदी की गई है। वहीं रेलवे परिसर के बाहर दो महिला हमारे संवाददाता को नजर आई, जिससे बात करने पे हमारे संवाददाता को उन्होंने बताया कि वो अपनी बेटी का इलाज कराने के लिए लखनऊ गई हुई थी। लखनऊ से लौटने के बाद दरभंगा पहुंची और यहां लॉकडाउन की घोषणा हो गई, जिसके कारण वो कहीं जा नहीं पा रही है। वो सीतामढ़ी की रहने वाली है और वो सीतामढ़ी जाना चाहती है। ऐसे में वो सही से जानकारी भी नहीं दे पा रही थी कि सीतामढ़ी में किस जगह उसे जाना है। 4 दिनों से वह स्टेशन से बाहर यूं ही पड़ी हुई है। वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा उन्हें 2 टाइम का खाना मिल जा रहा है। देखिए हमारे संवाददाता से बात करते हुए उसने क्या बताया। बेटे है। किस लिए? गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। कौन सा गाड़ी का? सीतामढ़ी का। जब से गाड़ी आई है ये लास्ट, जब से बेटे है भाई को दे रहे। सीतामढ़ी कहाँ पर घर है? वो मंदिर है, शंकर जी का मंदिर है उधर। क्या नाम है तुम्हारा? भावना। कहाँ से आए हैं? हम आए थे लखनऊ से। अच्छा, दवाई लेने को गए। किस चीज़ का दवाई लेने गए थे? दवाई लेने के, वो बेटी बीमार थी। हाँ। उसको बहुत गोली उली बंद हो गया। हाँ। इमरजेंसी ज्यादा है। अच्छा। उसको हम देखने को गए, देखने को गए वहाँ से चला था, गाड़ी चल रहा, बाद में वहाँ से आने तो यहाँ पर गाड़ी बंद हो गया। देखिए वहाँ सीतामढ़ी जा रहा, तो सीतामढ़ी गाड़ी जाने का कोई साधन नहीं है, तो उसकी कहीं से बैठिए। लड़की कौन है? लड़की मेरा साथ नहीं है, इसको बॉम्बे घर है। अच्छा। ये बॉम्बे से आ रही है, यह सीतामढ़ी जा रहा है। अच्छा। इसको बच्चा है सीतामढ़ी। अच्छा। हम इतनी जानते हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम तो लखनऊ से बता रहे हैं। अच्छा, लखनऊ से। हमारा नाम है शांति देवी। ट्रेन बंद है, दो लेडीज बैठल है, रात दिन खाते हैं पानी साहब। वहीं दरभंगा नगर निगम के सफाई कर्मियों के द्वारा नगर आयुक्त के आदेशानुसार वार्ड नंबर 7 में जगह जगह साफ सफाई एवं चूना ब्लीचिंग की गई। ऐसे में कोरोना वायरस से बचाव हेतु इस तरह की साफ सफाई अति आवश्यक है। ऐसे में सफाई कर्मियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर जगह जगह जमकर सफाई की। देखिए हमारा ये रिपोर्ट। ये नगर आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार हम लोग सफाई करके और चूना ब्लीचिंग का छिड़काव कर रहे हैं, ताकि कोरोना से बचाव किया जा सके। किस वार्ड में? वार्ड नंबर 7। क्या आप महंगी एवं केमिकल रहित सर्फ उपयोग करके परेशान हो गए हैं? आपका सर्फ कहीं आपके लिए या आपके कपड़े के लिए हानिकारक तो नहीं है? या फिर आप अपने मशीन और घरेलू उपयोग में अलग अलग सर्फ का उपयोग करते हैं? इन सभी बातों पर गहरा शोध करने के बाद आपके बीच पेश है भेलोकैम डिटर्जेंट पाउडर, जो कि 125 ग्राम 500 ग्राम एवं 1 केजी के पैक में मौजूद है। इसके अलावा भेलोकॉम टॉयलेट क्लीनर, कमला दर्शन अगरबत्ती 3 फ्लेवर के साथ साथ देव डिटर्जेंट केक, देव डिस्क बार एवं भेलोकैम फिनाइल मौजूद है। एक बार आप उपयोग में जरूर लाए और हमें सेवा का मौका दे। इसके अलावा हमें डिस्ट्रीब्यूटर एवं स्टॉकिस्ट की आवश्यकता बिहार एवं झारखंड के लिए है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे कस्टमर केयर नंबर 9708567445 पर संपर्क करें। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एसएसपी बाबूराम ने मंगलवार को शहर का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संबंधित पुलिस पदाधिकारी को पूर्ण रूप से लॉकडाउन का पालन करने का निर्देश दिया। कई जगह पर कुछ युवा वर्ग को बाइक से मटर गश्ती करना महंगा पड़ गया। एसएसपी ने उन सभी को पकड़कर संबंधित थाना अध्यक्षों को कार्रवाई करने का निर्देश दिया। वहीं एसएसपी की नजर पड़ी खुले में बेच रहे मास्क पर। एसएसपी ने जानकारी दी कि ये मास्क पूरी तरह सुरक्षित नहीं है
और ऐसे भी मास्क को खुले में बेचना नहीं है, किंतु अभी भी व्यापारियों को समझ में नहीं आ रहा है और वो रोड किनारे ऐसे ही मास्क की दुकान लगाए हुए हैं। ऐसे में आपके लिए भी जानना अति आवश्यक है कि आप ऐसे मास्क खरीदे जो आपका बचाव करे, अर्थात जो पूरी तरह से सुरक्षित हो। वहीं कोरोना वायरस से जूझ रहे इस हालात के बीच में चैती दुर्गा पूजा का भी शुभारंभ हो गया है। ऐसे में प्रशासन का सख्त आदेश दिया गया है कि पूजा समिति की ओर से भीड़भाड़ बिल्कुल न किया जाए और शांतिपूर्ण ढंग से सिर्फ पूजा पाठ किया जाए। ऐसे में हमारे संवाददाता ने श्री श्री 108 सार्वजनिक चैती पूजा समिति शुभंकरपुर सती स्थान रोड धर्मगाछी दरभंगा में जाकर वहां पे जायजा लिया कि किस ढंग से यहां पे पूजा पाठ की जा रही है एवं यहां किस तरह की चैती दुर्गा पूजा की तैयारी है। वहां जाने के बाद देखा गया कि वहां बिल्कुल सन्नाटा था, कुछ लोग ही नजर आए जिन्हें मंदिर प्रशासन एवं मंदिर समिति की ओर से समझाया जा रहा था कि वो पूजा पाठ ना करें, जो पंडित जी हैं वही इन पूजा पाठ में भाग लेंगे और वह अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। यहाँ शांतिपूर्वक कम से कम आदमी 50 आदमी मिलकर पूजा कर रहे हैं, पंडित जी है भीतर में, भीड़ भाड़ कम लगा रहे हैं और 2016 से यहाँ पूजा हो रही है। आज प्रथम पूजा है, एकदम शांतिपूर्वक बाजा ताजा सब बंद है, सिर्फ कथा के समय में बाजा बजती है तो बाजा बंद रहती है और हम लोग भीड़ उड़ नहीं जुटाते हैं। हर साल कलश भी निकलता था, इस बार सोचेंगे हम लोग आगे कलश का क्या किया जाएगा, 2-4-5 को बगल में घुमा के स्टॉप करें। अब आस में नंद राय इस कमेटी का हम सचिव हूँ। 2016 से यहाँ पूजा भगवती की हो रही है और हर साल यहाँ शांतिपूर्वक सारा व्यवस्था रहता है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है और इस बार भी शांतिपूर्वक से हम लोग पूजा करने जा रहे हैं। आज जो है यहाँ प्रथम पूजा शुरू हुआ है और हम लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह का दिक्कत नहीं हो, नियम निष्ठा से भगवती का पूजा हो। हमारा नाम अशोक पासवान हुआ, हम इस कमेटी का अध्यक्ष हुआ हूँ।